कड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने बात तो साबित कर दी कि मर्दान की सिर्फ मर्दों की प्रॉपर्टी नहीं होती, घर का चूल्हा जलाने वाले हाथ जब जिद पर आ जाएं तो उनकी सल्तनत को जनाते हुआ भी नहीं। मेरा सौभाग्य है जी, मैं धन्य हूँ, आज़ादी के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है। जो हमारा इतिहास है इस वजह से हमको आज़ादी मिली। आज़ादी मेरे हिसाब से आदमी अपनी तरह की ज़िंदगी चूज कर सके, ये आज़ादी होती है जी। मेरे लिए तो आज़ादी मायने रखती है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान के अनुसार, जो उनके मौलिक अधिकार हैं वो सच में मिले उनको, उनको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो, उनको देश में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो बोलने की अभिव्यक्ति हो, ये सब जब सोचते तो लगता है गुलाम है। ओ मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश, है मान मेरा देश देश सम्मान मेरा देश, गुरु ग्रंथ बाइबिल वेद पुराण गीता कुरान मेरा देश, मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश। हर जे भी हमरे दसवा के माटी छू के गइल बाटे ओकरा के भेजिले संदेश, मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश। सर आज़ादी के मायने बड़े लंबे चौड़े हुए हैं, उसको कुछ शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। आज़ादी के मायने सबसे पहले मेरे लिए जिम्मेदार होना, समझना कि भैया आज़ादी के मायने क्या है, इतना ही समझ जाएं आप। आज़ादी इसलिए नहीं है कि आप जाके जो है दूसरों के घर तोड़ें, पत्थर फेंकें, ट्रकें जलाएं, बसें जलाएं, आज़ादी संभालने की चीज़ है। फेवरेट तो मेरे सारे हैं यार, क्योंकि उन सब ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें से किसी एक को चुनना जो है अपमानित करना होगा बाकी सब। वी आर एक्साइटेड और देखना चाहती हूँ आज़ादी कैसे मनाई जाती है। आज़ादी इज ब्रीदिंग नाइस, लिविंग नाइस। जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं सुभाष चंद्र बोस जी का जो एक्ट है उसमें सुभाष चंद्र जी बना हुआ हूँ। देखिए आज़ादी के मायने आज के टाइम में अगर आप लोग पूछें तो ये है कि करप्शन से हमारे को फ्रीडम मिले, सारी मेरे फेवरेट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम है। ऑफकोर्स आज़ादी का दिन है, हम बहुत खुश है। मेरी बड़ी बहन अमृत जो अदा खान आज हम लोग के लिए परफॉर्म कर रही है, वी आर वेरी एक्साइटेड, हम उसे चीयर अप करने आए हैं। आज़ादी के माने तो ये हैं जब लड़कियां पूरे देश में सेफ होंगी तो सही मायने में हमारा देश आज़ाद होगा। बस मेरे लिए भी जब तक करप्शन और यू नो सेफ्टी हमारे देश में नहीं आती है तो आई डोंट थिंक हम कम्प्लीटली आज़ाद है। वेल आज़ादी लाइव हमने स्टार प्लस के साथ बहुत किया है और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइफ ओके भी आज़ादी लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स निशा इज प्लेइंग सौम्या इन मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, तो इट्स वेरी नाइस वी हैव जस्ट कम टू सपोर्ट, आई थिंक वी हैव कनेक्टेड टू लाइफ ओके आल्सो एंड वी हैव जस्ट कम एज गेस्ट। आज़ादी के मायने, बिकॉज आज़ादी एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत मायने हो सकते हैं, हर एक के लिए बहुत अलग है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डिफाइन फ्रीडम, बट आई होप कि जिस वजह से और जिस मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है वो अच्छे कॉज के लिए हम लोग हमेशा कुछ अच्छा अपने देश के लिए कर सकें तो विल बी नाइस। मेरे लिए आज़ादी मतलब अपने जीने का अपना एक अंदाज़, अपने तरीके से जीना और दूसरों को जीने देना। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आई थिंक दे बिग हीरोज। बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज मंगल पांडे का रोल अदा कर रहा हूँ। बहुत गर्व की बात है कि आज़ादी के मौके पर लाइफ ओके चैनल ने मुझे चुना है फॉर मंगल पांडे। ऑल दीज फ्रीडम फाइटर्स, आई लव हिस्ट्री। वेल आई एम गिविंग अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ बीइंग द इंडियन लेडी, तो बहुत ही अच्छा एक्ट है, बहुत ही प्यारा एक्ट है। वेल मैं वही बता रही थी सबको कि आज़ादी के मायने मेरे लिए बहुत ही सिंपल है। आई थिंक जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ही प्योरिटी है और बहुत ही जितना यूनिटी हमारे देश में है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, इतनी यूनिटी किसी और देश में नहीं है। मैं बता कि मैं एक्ट कर रही हूँ, जिया जले पे डांस कर रही हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डांसिंग ऑन स्टेज। For me, freedom is being free of all the wrong that we have in the world, all the bad that we have in the world, exercising your rights properly. Yes, I have been extremely fond of Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose.